एसएससी जेई 2024 मैकेनिकल का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए आपका, ताकि आप सिंगल अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्रैक कर लें। अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है, तब इसी अटेम्प्ट में, मतलब सिर्फ एक अटेम्प्ट दें आप इस पूरे स्ट्रेटेजी को, वीडियो को देखने के बाद, और एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपका होना चाहिए इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, क्या क्या आपके पास पार्ट में होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, जिसके ऑल इंडिया रैंक 15 आया था, अभी वो जॉब कर रही हैं, हमारे साथ वो पढ़ाई हुई हैं, मतलब काम करी हुई हैं, उनका सैलरी कितना आता है, लगभग 50 से 55 हज़ार के बीच में आता है पर मंथ। दिल्ली में उनका पोस्टिंग है अभी। उनके जैसे बाकी सारे बहुत सारे मतलब काम करे हुए हैं, जिनका टॉप रैंक्स आया है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के टॉप रैंक्स आया है। सबसे लोग मेरे से आते हैं, बात करते हैं, मैं भी पूछता हूँ उनसे, तो सबका कहना है और मेरे भी मानना है, अगर आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्रैक करना है, एसएससी जैसा एग्ज़ाम को क्रैक करना है अच्छे रैंक के साथ, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना है, आफ्टर लर्निंग बेसिक थिंग्स, दैट इज व्हाट क्वेश्चंस। अगर आप बेसिक क्लियर करने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, आप पूछेंगे डेली कितना करें सर, जितना कर सकते हो मैक्सिमम। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, तरीका क्या होता है, इन जनरल जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, पढ़ते हैं, चांस है सॉल्व नहीं होगा, वो जाएंगे सोल्यूशन देखेंगे, फिर हंसेंगे ये तो आसान था। ऐसे नहीं, आसान अगर था जरा सोचिए फिर आपसे बना क्यों नहीं, बिकॉज आप वो अप्रोच बना नहीं पा रहे। तो अप्रोच बनाओगे कैसे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके। आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन आप सोल्यूशन निकालते खुद से नहीं है, सोल्यूशन देख के आसान लगता है, 15-20 दिन बाद फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, फिर से आप अटक जाएंगे, चांस ज़्यादा है। क्यों, बिकॉज उस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व नहीं किया था, उसमें जो अप्रोच लगता है आपने नहीं निकाला है, आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है। तो क्वेश्चन निकालो कैसे, खुद से सॉल्व करना है हर क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है तो रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए पहले कैसे क्वेश्चन बनता है, थ्योरी को दोबारा फिर से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब ऐसे अप्रोच लगाएंगे, ये थोड़ा बेटर अप्रोच है, आपके एग्जाम क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाएगा, बिकॉज आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्रोच लगाए क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हो। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम को क्रैक करने का। सेम इंग्रेडिएंट जितने भी स्टूडेंट टॉप करते हैं यूज़ करते हैं, बट इन जनरल एक्सपोज कोई नहीं करता है। मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। ये एग्ज़ाम डिफिकल्ट है क्या, नहीं बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये काइंड ऑफ बोल सकते हो 7 है आउट ऑफ 10। कंपटीशन हाई आपको दिखता है कि 5-6 लाख बच्चे पेपर भर रहे हैं, वैकेंसीज तो बहुत कम है, प्रिपरेशन कितने करते हैं, इससे कोई कोचिंग भी नहीं है ऑफलाइन, बहुत कम कोचिंग चलता है, बिकॉज कोई इंटरेस्ट कम ही लेता है इस चीज़ में। लोग गेट के प्रिपरेशन जरूर करते हैं कोचिंग लेके, इसका बहुत कम, ऑनलाइन ले लेते हैं, ऑनलाइन कौन पढ़ता है, टाइम पास करने जाते हैं, कोई टीचर गाना बजा रहा है, कोई गीत, मतलब कोई कुछ डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो छोड़ो उसको बात बात नहीं करेंगे, तो उससे पढ़ाई नहीं होगी। ये टेक्निकल भाई, कोई 10 घंटा कोर्स नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स पढ़ना पड़ता है, एक एक सब्जेक्ट में 50 घंटा लगता है, मजाक थोड़ा चल रहा है, समझ रहे हो। तो कहानी समझ में आया आपको, अब क्या करना है आपको अगर पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपको ये लाइव क्लास जो होता है ऑनलाइन लाइव क्लास, इसको छोड़ना होगा, चाहे फ्री में क्यों ना हो, ऐसे क्लासेस अटेंड ना करें। अटेंड कब करना है, जब आपको जरूरी है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई कोई भी टीचर रिकॉर्डेड कोर्स डाल दिया है उसको देख लीजिए, एज सिंपल एज दैट।
एनी टीचर रिकॉर्डेड कोर्स डाल दिया, उनको देख लो, समझ में आ गया ठीक है, उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। लाइव क्लासेस में क्या होता है, मैंने देखता हूँ जो रिकॉर्डेड में हमें टाइम लगता है 10 मिनट शूट करने के लिए, लाइव में उसको हम 20 मिनट में लगता है पढ़ाने के लिए। बिकॉज लाइव क्लासेस में नहीं पढ़ाया काफ़ी जगह, और मैं ऐसे एक दो घंटा नहीं, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स पढ़ाया हुआ है कुछ कुछ जगह पर, तो ज़्यादा उससे ज़्यादा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इम्पॉर्टेंट क्या है, ऐसी चीज़ लाइव क्लासेस में क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, उसको वेस्ट नहीं करना है, बचाना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एसएससी जेईई जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बिकॉज ये सही में मैटर करता है, मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं होगा। कंपटीशन इतना टफ हो गया ना, क्यों? बिकॉज हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम को लगा नहीं पा रहे, क्वेश्चन हम मैक्सिमम सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट इज़ द बेसिकली मेन प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। और हम, मैं देखता हूँ वो लाइव क्लास लगा रहे हैं और वहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है और टाइम ख़राब कर रहे हो। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम को सही जगह पर लगाइए, देन ओनली यू विल गेट मैक्सिमम आउटकम फ्रॉम योर सेल्फ ओनली, आप खुद से मैक्सिमम आउटकम ले पाओगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको बता रहा हूँ, आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है। माइंडसेट, आपका माइंडसेट जितना स्ट्रांग होगा उतने अच्छे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। माइंडसेट स्ट्रांग कैसे होगा, टारगेट बना के आप एक बड़ा टारगेट फिक्स करिए। आपका बड़ा टारगेट क्या है, टॉप रैंक्स हासिल करना है, तभी भी आपको जॉब लगेगा एसएससी जेईई में, फर्स्ट। सेकंड टारगेट क्या है, उस टॉप रैंक को लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। थर्ड टारगेट क्या करना है आपको, उस मार्क्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मंथ्स में, फिर डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वीक्स में, फिर डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज में, फिर देखो एक दिन का कितना आपको पढ़ना पड़ेगा उस मार्क्स को, उतने मार्क्स को लाने के लिए, और डेली अपने टारगेट को अचीव करो। जिस दिन टारगेट आपने अचीव कर लिया उस दिन 5 मिनट घूम के आ जाओ, फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगा। अगर ऐसे करते हो आप कुछ महीने, तो कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एसएससी जेईई क्या है, कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है, एक्सेप्ट यूपीएससी वाला, वो भाई लक है, बहुत कुछ है, बिकॉज उसमें बहुत, और इससे मतलब कुछ भी नहीं है रे, इससे एग्जाम उनके सामने, वो अलग एग्जाम है, वो तो अलग बात है यार, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, करते हैं काफ़ी सारे, बट थोड़ा टफ है, बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट में है जो यूपीएससी ईएससी क्रैक कर चुके हैं, उनसे आईएएस क्रैक नहीं हुआ है बहुतों का, और कुछ का यूपीएससी ईएससी क्रैक हुआ, आईएएस क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, देखते हैं होता नहीं होता है, ठीक है। सो माइंडसेट स्ट्रांग करना है पहला, और माइंडसेट स्ट्रांग करने से क्या हो जाएगा, बाकी जो भी ऑब्स्टेकल आपके आसपास आएंगे प्रिपरेशन के दौरान आएंगे वो हट जाएंगे। कुछ ऑब्स्टेकल जेन्युइन होते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स इमेजिनरी होता है, जैसे डर इमेजिनरी ऑब्स्टेकल है, जेन्युइन पैसे का प्रॉब्लम आ गया फैमिली में, जेन्युइन ऑब्स्टेकल, वो सबका सलूशन निकल जाएगा अगर आपके पास स्ट्रांग माइंडसेट है तो, पहला। दूसरा क्या करना है, अब है हमारा मटेरियल वाला काम, सिलेबस इसी वीडियो में बताऊंगा, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न आपके पास होना चाहिए, ये दोनों मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। हालांकि सिलेबस का डिस्कशन अपन करेंगे और अच्छी तरीके से आगे, बिकॉज मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करवाऊंगा आपको इस बार जो 2024 का, लास्ट टाइम मैं बिजी हो गया था AI के एग्जाम्स में, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने थे तो टाइम मिल नहीं पा रहा था मेरे को। तो पेपर वन में दो पेपर होते हैं इसका, एसएससी जेईई में इंटरव्यू नहीं होता है, तो कौन से होते हैं, देखिए पेपर वन आपका हो गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर वाला होता है, इसी साल 2023 से स्टार्ट हुआ है आपका, एमसीक्यूज दोनों पेपर में होगा, पहले क्या था एमसीक्यूज नहीं था भाई, रिटेन एग्जाम था, पेपर टू, पेपर वन एमसीक्यूज था। तो पेपर वन में क्या होगा, देखिए इसमें पहले पार्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 नंबर का आएगा, और एक वीडियो दूंगा 50 क्लियर हो जाएगा, फिर आता है जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का आएगा, 50 नंबर 50 क्वेश्चन, 50 नंबर 50 क्वेश्चन, और आपके इंजीनियरिंग से आएगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टोटल 200 क्वेश्चन आपके होंगे, कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, 120 मिनट है, 200 क्वेश्चन है,
टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट कहाँ कहाँ आपको यूज करना है, टेस्ट सीरीज देते टाइम यूज करना है। टेस्ट सीरीज बोलो कहाँ से बाय करें, भाई हम दे रहे हैं बेस्ट टेस्ट सीरीज, उससे जरूर बाय करिए। किसी और जगह से बाय कर लो, दो तीन तीन चार जगह से बाय करो टेस्ट सीरीज, हम एफोर्डेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज देते हैं, आप यहाँ से बाय जरूर कर लीजिएगा। इसको तो बाय करिए, ये है भाई 70 प्लस टेस्ट सीरीज यहाँ पर लिखा है अभी, बट जून में आप देखेंगे इसमें 100 हमने कर दिया है। मतलब नोटिफिकेशन जब आएगा उसी के आसपास, जुलाई में नोटिफिकेशन आता है वैसे, तो 100 कर देंगे इसमें टेस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, अभी खाली इंग्लिश में है। प्राइस कितना है, 1000? नहीं 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 भाई, ये देखो सिर्फ 299 रुपीज में है इतने टेस्ट। इसको जरूर आज बाय कर लीजिए, और इसका देखिए यहाँ पर क्या ना फीचर होता है, टाइम का फीचर होता है, जैसे एग्जाम को देते हो वैसे ही मोबाइल पर भी चलता है, लैपटॉप पर भी चलता है, कहीं भी चला लो, लैपटॉप है लैपटॉप पर चलाओ, मोबाइल है मोबाइल चलाओ। इसमें रैंक भी दिखता है आपको, कितना आपका रैंक आ रहा है। तो इसको जल्दी बाय करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसको आज ही अभी बाय कर लो, और देखो जाके वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है। बिकॉज ये जो क्वेश्चन बनाए हैं सारे टॉप रैंकर्स, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया है, मेरे पास 10 साल 12 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, सो फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। यूनिक क्वेश्चंस हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं मारा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है भाई इसमें, SSC JEE में 10 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। सो ये बाय कर लेना आपको। अच्छा, एग्जाम पैटर्न जो बता रहा था आपको उस पर चलते हैं। मैंने थोड़ा बताया आपको कि भाई पेपर वन में कैसा आएगा पेपर आपका, लेवल क्या होगा क्वेश्चन का, बिल्कुल आसान। न्यूमेरिकल कितने परसेंट आएंगे, 15% के आसपास, 15-20%, 80% थियोरेटिकल होगा। थियोरेटिकल में कैसे होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है जी, जो इन जनरल हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा कम पढ़ते हैं। सीवी टू में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें क्या होगा आपका, आपके जो इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का होंगे, 300 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और 2 घंटे का पेपर होगा। अब माइनस मार्किंग देखोगे नोटिफिकेशन में 1/3 होगा, लेकिन लास्ट ईयर दोबारा नोटिफिकेशन आया था कि भाई माइनस मार्किंग 1/3 नहीं होगा, 1/4 होगा, ठीक है। इस बार आएगा देख लेंगे कितना माइनस मार्किंग हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी चेंजेस कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया आपका, अब बात करते हैं सिलेबस, क्या सिलेबस रहने वाला है। देखो ये है रीजनिंग का सिलेबस, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लेना। हर सब्जेक्ट के लिए एक एक नोटबुक बना लेना है, 2 नोटबुक, हालांकि एक है थियोरेटिकल बातें कंसेप्चुअल रिविजन के लिए पर्पस के लिए, दूसरा नोटबुक बनाना है प्रैक्टिस के लिए, वो तो कोई भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है जनरल अवेयरनेस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है सिविल का सिलेबस, इसको मत देखना, ये ऐसे ही सिलेबस दिया हुआ है पता लगा, हाँ ये है सिविल का सिलेबस। बिल्डिंग मटेरियल्स है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन सर्वेइंग सोयल मैकेनिक्स इरीगेशन, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कॉन्क्रीट RCC स्टील डिज़ाइन, ये इलेक्ट्रिकल के हैं। बेसिक कंसेप्ट सर्किट लॉ मैग्नेटिक सर्किट ऑल्टरनेटिव करंट मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल मशीन्स सिंक्रोनस मशीन जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेशन कॉस्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है। और मैकेनिकल का जो हम मैकेनिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मैकेनिकल के हैं, थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर वन के लिए। पेपर वन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं थर्मल पार्ट से, थर्मोडायनेमिक्स से, रेफ्रिजरेशन से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, इससे क्वेश्चंस बहुत, और पावर प्लांट से, आइस इंजन से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स। हालांकि ये मैकेनिकल के जो वीडियोस मैं आपको देने वाला हूँ एग्जाम से पहले आएगा, वो इस चैनल पर आएगा, इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने बोला था फ्री कोचिंग, तो मैकेनिकल के कई सब्जेक्ट्स का फ्री कोचिंग ऑलरेडी है, लाइक थर्मोडायनेमिक्स का है, आईसी इंजन का है, पावर प्लांट का 1-2 महीने में हम डाल देंगे, उसके बाद आपका सोम का है, ठीक है, इसमें प्रोडक्शन का, और बाकी जो FM का बचा है वो हम डाल देंगे, कोशिश करेंगे इस पर डालने का। अगर आप इलेक्ट्रिकल के कोई दोस्त आपके हैं तो इलेक्ट्रिकल पूरा पूरा कोचिंग यहाँ पर बाय टॉप रैंकर्स, ठीक है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। इस चैनल पर सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे आपको, मैं दिखा देता हूँ। आईसी इंजन का SSC JEE का देखो ऑलरेडी है, मशीन डिजाइन का SSC JEE का है, और इलेक्ट्रिकल के सारे हैं लगभग,
कहानी समझ में आ गया आपको? अच्छा, आइए यहाँ पर और थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपको पता लग गया, बट नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट भाई आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट है, नोट्स बनाना है खुद से, नोट्स प्रिपेयर करिए खुद से, डाउनलोड मत करिए, किताब बाय करिए, नोट्स लगाना है। बना लिया आपने, बेसिक क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व्ड क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर खुद से ट्राई करिए एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर ट्राई कर सकते हैं आरआरबी जेई का, फिर ट्राई कर सकते हैं यूपीएससी ईएससी क्वेश्चंस। गेट करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई। फिर क्या रही है, हमारे टेस्ट सीरीज दीजिए आप टॉपिक वाइज, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, बिकॉज हमारे टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है और फुल लेंथ भी है। फिर टॉपिक टेस्ट सीरीज दीजिए। और सिंपल लोग, जो लोगों का प्रॉब्लम होता है, सर एक सेट पढ़ लिया दूसरा पढ़ने जाते हैं, पहले जो पढ़ा था भूल जाते हैं। नहीं, डेली कम से कम अपना कुछ टाइम दीजिए रिविजन में, ताकि आप भूले नहीं। भूल जाओगे फायदा क्या होगा, फिर रिविजन करते रहिए। रिविजन करने का दो बेस्ट तरीका है, क्वेश्चन आपने निकालना है एक तरीका, दूसरा एक बार ऐसे ऐसे करके देख लो, देखो कहाँ अटक रहे हो। तो ऐसे ऐसे देखोगे 40 बार देखने के बाद आपके दिमाग में हर पेज हर बात छप जाता है, अगर इफेक्टिवली आप देखते हैं तो। कहानी समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एसएससी जेई 2024 का प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरे सबको समझ में आ गया पूरा कहानी? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप खुद सर्च कर जा सकते हैं। और क्या बोला था, बाकी एंजॉय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया सा प्रिपरेशन करिए, स्ट्रांग माइंड सेट। थैंक यू।